हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वैकाबोंड्स यूट्यूब चैनल में। ये है लियो, लियो ये है लियो हमारा और आपका 1.5 साल का लैब्राडोर पपी। तो पास्ट में हमें सब कुछ पास्ट में हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, दैट 5 थिंग्स टू नो बिफोर ब्रिंगिंग अ लैब्राडोर पपी। देन हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा 5 थिंग्स टू नो इफ लैब्राडोर इज अ परफेक्ट ब्रीड और नॉट, और नॉट टू ब्रिंग अ लैब्राडोर पपी इन योर फैमिली। डाइट के बारे में देखना, आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ें जो आपको लैब्राडोर को नहीं बोलनी चाहिए, लैब्राडोर पपी को नहीं बोलनी चाहिए। दैट फ्यू थिंग्स which you should not say to your Labrador puppy। हमारी जो आज का डिस्कशन है या जो आज का चीज वीडियो है वो रोल करेगा इन भाई साहब के ट्रेट्स के बारे में, टेम्परामेंट के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, इनकी मिस्चीव्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, और आपको कैसा रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए उस चीज़ के बारे में। जैसा कि हमने पहले बोला दैट लैब्राडोर काफ़ी ही फैमिली डॉग है, एनर्जेटिक है, लविंग है और फन लविंग है, सब कुछ जो है लैब्राडोर है वो आपको एज अ फैमिली मेम्बर ही देखता है। जब आप उसको घर पे लेके आते हैं आप ही उसका सब कुछ बन जाते हैं। जिस टाइम आप उसको खाना देते हैं उस टाइम खाना खाता है, जिस टाइम खेलते हैं खेलता है, सोता है उठता है, सब कुछ तो आप ही है सब कुछ उसके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप उसको ज़्यादा प्यार करेंगे वो आपको उससे कई गुना आपको प्यार करेगा। आप उसको डांटोगे ये सब कुछ करोगे वो तब भी माया कि ठीक है हाँ मैंने कुछ किया होगा तो इसके लिए ये मुझे डांट रहे हैं, एंड देन वो सब कुछ भूल जाएगा और फिर आपसे प्यार करने लगेगा बिकॉज आप ही हो उसकी लाइफ में, वो आप ही को सब कुछ मानता है। बैठ जाओ, सिट। तो अभी मैं इसकी चेयर पे बैठने वाली ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो अभी करेंटली चेयर पे बैठा हुआ और मैंने इसको बैठाया, खुशी भी है बट थोड़ा सा डर भी है। तो ये जब मैंने बताया कि जब छोटा पपी होता है तो उसको समझ में नहीं आती कि कहाँ से उसको करना है, कहाँ पोटी करनी है या क्या च्यू करना है, जो इसके दांत निकलते रहते हैं तो जो भी मिलता है उसे च्यू करने लगता है, कितना खाना खाना है कितना नहीं। तो यूजुअली पेट पेरेंट्स क्या करते हैं, वो डांटते हैं जब उनको नहीं लगता डांटना, तो पीटते भी हैं, दोनों चीज़ करते हैं, डांटते भी हैं पीटते भी हैं, टू डिसिप्लिन देम या गुस्सा दिखाने के लिए कि भाई तुमने इतना ये सब कुछ कर दिया, डैमेज कर दिया, ये कर दिया, बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना इज गुड, बट बहुत ज़्यादा मारना पीटना और चेन से बांध देना वो सही नहीं है। आप उसको डांटेंगे जिस चीज़ के लिए नो करेंगे, बिकॉज आपको ज़्यादा प्यार देंगे अपने लैब्राडोर को तो वो भी सही नहीं है, बिकॉज वो आगे जाके आपकी बात नहीं सुनेगा, वो उसमें यूज हो जाएगा कि अच्छा ये तो वही मैं गलती करूँगा तो ये डांटे में बैठे नहीं, तो फिगर आउट कर लेता, सेंस कर लेता। तो आपको वो तो चीज़ करना पड़ेगा, जहाँ आपको नो बोलना है आप उसको नो बोलिए, 10 टाइम्स बोलना है, 100 टाइम्स बोलना है बोलिए, डांटना है आप डांटिए उसको, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार भी करिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम उसे डांटे जा रहे हैं, वो सोचेगा यार पत्नी मैं क्या ही गलत कर रहा हूँ, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, रैशनलाइज करने की कोशिश करता रहता है कि यार मैंने अब क्या गलती कर दी, तो उसे नहीं पता, चाहे उसने अभी पोटी सुसु किया हो घर में और आप उसको डांटेंगे या कुछ करेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा कि किस चीज़ के लिए मुझे डांट रहे हैं। वो है इसका लैब्राडोर का।
तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अगर आप उसको डांट भी रहे हैं, सॉरी, तो मैं ये बोलूंगा कि आप उसको उससे ज्यादा प्यार करिए, वो आपको उससे ज्यादा प्यार करेगा। दूसरा, कभी कभी गुस्से में सब बोलते रहते हैं कुत्ते, ये सब कुछ, लाइक वी यूज सम स्लैंग्स, सभी यूज कर लेते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए कि भाई इसको लग जाए गुस्से उससे में। तो गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई हम मजाक मजाक में कभी बोलने लगते हैं कि भाई हम तुझे छोड़ आएंगे, हम ये कराएंगे, हम तुझे बाहर से लेके आए, बिकॉज ये काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं, उन चीज़ों को फील करते हैं, तो आपको वो चीज़ें भी नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज इनको बुरा लगने लगता है कि आप बोले रहे कि हम चले जाएंगे या हम तुझे छोड़ आएंगे, ये कराएंगे, तो अंदर ही अंदर उसको बुरा लगने लगता है। एंड देन समटाइम्स वो रोते भी हैं, सैड फील करने लगते हैं, लगता है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो ऐसे बोल रहे हैं। या आप कभी कभी मजाक में बोलते हैं कि हम दूसरा कुत्ता ले आते हैं, दूसरा लैब्राडोर ले आते हैं, दूसरा कुछ ले आते हैं, तो वो भी ये है, वो भी वो सोचने लगता है कि भाई क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें बुरी लग जाती हैं आपके लैब्राडोर, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो खाना नहीं खाता है, ज़्यादा खाने लगता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो वो मत बोलो। दूसरा, अगर उसने कोई गलती की है, जैसे मैंने बताया, आप उसको बोलिए कि भाई हाँ ये गलती की है तुम्हारा, नहीं तो उसको आप सुपरविजन रखिए। जब पपी रहता है छोटा छोटा, सब ऐसे बोलेगा छोड़ दो, नहीं, जब वो छोटा पपी रहता है छोटी ही एज से आपको उसको सिखाना है कि उसको क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, कोई ना कोई उसको देखते रहना चाहिए पूरे टाइम कि वो क्या कर रहा है। जहाँ भी वो, जैसे आपकी स्लीपर पकड़े तो उसको नो करो, कोई भी फर्नीचर वो च्यू करने की कोशिश करे तो उसको नो करो। अगर आप उसकी ट्रेनिंग ये करा रहे हैं कि वो डोर के बाहर ना जाए विदाउट आपके, अगर आप नहीं बुला रहे हैं तो उसको फिर नो करो, तो आपको बोलना पड़ेगा, वो तभी सीखेगा, अदरवाइज नहीं सीखेगा। मारना तो नहीं ही है, मारना इज नॉट अ सॉल्यूशन, उसको भी चोट लग जाएगी, आपको भी बुरा लगेगा बाद में, और फिर उसके बाद इट मे पॉसिबल कि आप ज़्यादा मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए एज अ हैबिट बन गई कि अच्छा मैंने गलती की है, उसके बाद क्या होगा, पिटाई होनी है, कर लेने दो, वो आके बाद में वो एक पैटर्न सा फिगर आउट कर लेगा कि हाँ कर लेने दो, उसके बाद मुझे खाने देगा, प्यार देगा, फिर उसके बाद मैं मस्ती करूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो उसके लिए एक लूप होल बन जाए कि वैसे। दूसरा ये भी है, उसको चोट भी लग सकती है कहीं, बोन वोन पे सब कुछ लग सकती है। तीसरा ये भी लगता है, कहीं ना कहीं आपका जो पपी है, ये जो पपी है वो अग्रेसिव थोड़ा सा टर्न ले ले, आप उसको भाई पपी है वो तो हो रहती है, फैमिली डॉग है, गार्ड डॉग की तरह नहीं करता है, लेकिन अगर कोई किसी को भी मारेगा, कोई किसी को भी मारेगा तो अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस तो करेगा ना करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे, तो वो भी कर सकता है कि वो आपको काटे, अग्रेसिव हो जाए। या दूसरा ये हो सकता है, तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई वो आपको ना करे लेकिन और किसी को हार्म पहुंचाए, इट मे भी पॉसिबल। आप तो चाहे फैमिली डॉग बना के लेके आए हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपके बच्चे भी खेलेंगे और कोई भी आएगा तो उनके साथ वो सही से रहेंगे, तो वो भी है, तो उसके टेम्परामेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान करिए। लाइक आप, मैं तो ये बोलूँगा आप ट्रीट करिए उसे कि वो आपका बच्चा ही है, ऐसा नहीं है कि भाई वो ये जो है ये आपका बच्चा ही है, ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रीट करें भाई ये कुत्ता है। ये बहुत सारी मीम चल रही है कि भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है जिगर का टुकड़ा, भाई आप मानो, आपके लिए मे भी जो भी कुछ देख रहे हैं उनके लिए एक कुत्ता हो ये सब कुछ हो, लेकिन उसके लिए आप सब कुछ हैं, जैसा आप खाना देंगे वो वैसा खाना खाएगा, आप जैसा खिलाएंगे जितना प्यार करेंगे वो वैसा प्यार करेगा, जहाँ ले जाएंगे जहाँ बैठने के लिए बोल देंगे वो वैसा कर लेगा, तो आप उसको
लीश या चेन से बांध के और बिठाइए कि भाई इधर बैठना है, हमें कुछ काम करना है। यूजली सभी लोग क्या करते हैं, अगर कोई रिलेटिव आए हैं वो बोल देते हैं कि अगर आपके घर में कुत्ता है तो आप बांध दो। नहीं, क्यों क्यों भाई, आप यूज तो कराओ ना, आप थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाओ। आप उसको, आप एक फैमिली मेंबर को आप क्यों बांधोगे, क्यों आप उसको बाउंड्रीज में रखोगे? आपको अगर करना है तो आप अपने आप एक रूम में बैठ जाओ भाई, उसको क्यों करना है? तो आप ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि भाई कोई बाहर से आया तो आपने अपने अपने पेट को रूम में बंद कर दिया, या आपने छत पे छोड़ दिया, या आपने लीश से बांध दिया, अब वो परेशान हो रहा है कि भाई मुझे क्यों बांध दिया। बिकॉज ये फैमिली डॉग है, इसको मिलना काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसका भी मन है कि भाई मैं भी मिलूँ उनसे। तो आप ये ट्राई करो, धीरे धीरे इंट्रैक्शन कराने का ट्राई करो। ये बात ये थोड़ी ना करना है कि आप उसको बांध दो, ये सब कुछ कर दो, ये नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव डांटना नहीं चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, लीश या जो भी है चेन से बांध के कहीं बिठाना नहीं चाहिए। अगर कोई आया हुआ है, अगर कोई आया भी नहीं है वो अगर आपको परेशान करा तो आपने वो लीश से कर दिया। धीरे धीरे अगर आपको करना है तो आप क्रेट ट्रेनिंग कर लो, आप उसका क्रेट लेके आओ और छोटी उम्र से ही आप उसका वो एक सेफ स्पेस बनाओ जिसमें आप उसको डालो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, ऐसे धीरे 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 इंक्रीज करो जिससे वो चीज़ उसको बुरी ना लगे, गलत ना लगे कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे वो जाके खुश हो के, अच्छा मुझे इसमें बिठाया है तो मैं आराम से रेस्ट कर लेता हूँ, अगर आपको करना भी है। मेरे में तो नहीं है, मेरे में तो ये भाई साहब पूरे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई भी आए, कोई अगर आ भी रहा है, मैं इसको क्यों बांधूं भाई, क्यों बिठाऊं? आपको अगर नहीं मिलना है तो आप अंदर आके रूम पे बैठ जाओ। मैं बस ये ट्राई कर सकता हूँ कि वो रूम में ना आए, लेकिन मैं उसको नहीं बांधूंगा। वो अपना पूरा घूमेगा, वो बालकनी में भी घूमेगा, वो पूरे हॉल में घूमेगा, किचन में, सारे में घूमेगा, घर उसका भी है। ऐसे थोड़ी ना कि मैं उसे ऐसे टॉय लेके आया हूँ, जब मेरा मन करेगा वो करेगा बोलेगा, नहीं वो घूमता है, जिसका मन करता है उसके साथ खेलता है, जिसका जो डरता है वरता है वो अपना साइड में बैठता है। तो वही आपको उसके साथ, अपने पेट के साथ करना चाहिए। जितना आप उसको फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे विद आई से ट्रेनिंग, छोटे जब आप पपी लेके आएंगे तब से ही आप उसका थोड़ा 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 ट्रेनिंग स्टार्ट करो। ऐसा भी नहीं है कि आप बड़ा हो गया तो मैं अभी इसकी ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, मैं इसको अभी भी वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें या तो सिखाता रहता हूँ। अभी भी मैं ऐसा नो बोलता हूँ, अभी भी इसकी डांट पड़ती है कभी ना कभी, बिकॉज ये अभी भी शैतानी करता है। तो होता है वो, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, वो चलता ही रहेगा, वो तो चलना ही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें एक्सेसिव नहीं करेंगे, एक्सेसिव नहीं होंगी, तो आप, आपका पपी भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, दूसरे लोग भी ये देखेंगे कि अच्छा अरे यार इनका पपी इतने अच्छे तरीके से रहता है, इन्होंने इतने अच्छे से ट्रेन किया, ये इतने अच्छे से इन्होंने टेक केयर किया इसका, है ना। जो भी सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, बल्कि उसमें लिफ्ट में आप जा रहे हो, लिफ्ट में उसने काट लिया, ये कर लिया वो उसमें, तो वो सभी ट्रेनिंग से होता है। और आप कैसे उसको घर में ट्रीट करते हो, टॉयल से कि अपने पेट को एज अ फैमिली मेंबर ही मानिए और उसको वैसा ही ट्रीट करिए, जैसा आप ट्रीट करेंगे उतना अच्छे से वो ट्रीट करेगा। बिकॉज लैब्राडोर का लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है, वो 10 से 20 साल की लाइफ स्पैन होता है उनका, कोई 10 कोई 20, मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या उसका फूड हैबिट्स क्या डाल रहे हैं, एक्टिविटीज हैबिट क्या है उसका, जो पेरेंट्स थे उनका जेनेटिक या डिजीज़ का क्या हिस्ट्री है, वो सब पे डिपेंड करता है। बट दे कैन लिव अप टू 20 ईयर्स, तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। और अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ह्यूमन टू डॉग ईयर्स का, वो काफ़ी होता है कि भाई एक साल जो उनका हुआ, जो हमारा हुआ एक साल, वो उनका 7 साल होता है, नेक्स्ट ईयर जो हुआ उसमें वो 15 साल के हो जाते हैं,
तो ऐसा ऐसा कुछ कंपैरिजन है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी ये भाई साहब जो मैं इनको बोल रहा हूँ डेढ़ साल के, डेढ़ साल का हुआ, ये अभी 10 साल का अपनी एज में हो चुका है ये बड़ा है। सब बोलते हैं डेढ़ साल में इतना बड़ा हो गया, बट डेढ़ साल में इतना बड़ा नहीं हो गया, उसके लिए काफ़ी टाइम चला गया, काफ़ी इतना छोटा सा मैं लेके आया, इतना छोटा सा। अभी देख तो मेरे लिए तो बच्चे जैसे ही, मेरे से बच्चे जैसे ही ट्रीट करता हूँ, आगे ही बच्चे जैसे ही रहेगा, इतना बड़ा हो गया और भी बड़ा हो, मेरे लिए बच्चे जैसे ही रहेगा। तो जो जो मैं इसके साथ अच्छी बातें मैं भी सीख ही रहा हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग, ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं एक्सपर्ट्स, वो भी अपनी ओपिनियन या राय देते रहते हैं, दूसरे लोगों देते रहते हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी दिनों बाद बनाई है, बहुत ज़्यादा इधर उधर उथल पुथल मची हुई, बट यार अभी से ट्राई करेंगे कि डेली एक वीडियो आए। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए उसको एक्टिव कर ले, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।